शब्द विचार क्लास सिक्स के बच्चों के लिए सबसे पहले हमें यह जानना है कि शब्द होता क्या है। शब्द होता क्या है इसकी जानकारी होने के बाद में उस पर आगे की जानकारी ली जाएगी। तो शब्द क्या होता है, यह है ध्वनि या वर्णों का ऐसा मेल जिससे एक निश्चित अर्थ निकलता हो वह शब्द कहलाता है। जिस प्रकार वर्णमाला में सभी वर्णों का एक निश्चित स्थान होता है उसी प्रकार शब्दों में भी वर्णों का एक निश्चित स्थान होता है। वर्णों का स्थान बदल देने से उनके अर्थ में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे में हम देख सकते हैं कि कलम क ल म कलम, कलम को शब्द को हेर फेर करने से क म ल कमल बन जाता है। तो इस तरह से वर्ण को हम हेर फेर भी करके शब्द में चेंजिंग कर सकते हैं। अगला है शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण चार रूपों में किया जाता है। एक, पहला रचना के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा प्रयोग के आधार पर। हम देखेंगे आगे कि रचना के आधार पर शब्द भेद शब्दों के तीन भेद हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, यौगरूप शब्द। अब हम यह जानेंगे कि रूढ़ शब्द कहते किसे हैं, रूढ़ शब्द होता क्या है। तो इसके बारे में जानने की कोशिश करें कि वे शब्द जो परंपरा से किसी निश्चित अर्थ को व्यक्त करते आ रहे हैं और जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घर, घर, कुआं, सूरज, पुस्तक, ये सब बहुत ही पूर्व से ही शब्द बन के आए हुए हैं। इसको खंड करने पर इसके अर्थ नहीं निकलेंगे। तो इस तरह से नहीं निकलेंगे, यह एक अस्थाई शब्द होता है जिसके कारण इसका नाम दिया गया रूढ़ शब्द। अगला शब्द है यौगिक शब्द। वे शब्द जो एक से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं तथा जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। तो यौगिक शब्द को हम खंड कर सकते हैं लेकिन रूढ़ शब्द को नहीं। अब जैसे विद्या जोड़ आलय, विद्यालय, प्रयोग जोड़ शाला, प्रयोगशाला, रसोई जोड़ घर, रसोई घर, इन शब्द का तोड़ा गया और टूट सकता है लेकिन उसका नहीं। अगला है यौगरूप शब्द। वे शब्द जो दो शब्दों के योग से बनते हैं परंतु किसी निश्चित अर्थ के लिए रूढ़ होते हैं उनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं, जैसे हिमालय, दशानन, गणेश आदि। अब इसके आगे भी और चीज़ है।